नमस्कार, हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने लोकसभा की सभी 10 सीटों के लिए लगभग 3 से 4 नामों का एक पैनल बना करके आलाकमान को सौंप दिया है। इस श्रेणी में सरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में अशोक तंवर, पूर्व डीजीपी वी कामराजा, पूर्व विधायक बलकौर सिंह व अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंद्र बलियाना का नाम शामिल है। ऐसी चर्चाएं थी कि सुनीता दुग्गल और हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह का टिकट तो लगभग कटना तय है, लेकिन राज्य कमेटी द्वारा जो सूची बनाई गई है उसमें सुनीता दुग्गल का नाम सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस की ओर से कुमारी शैलजा अंबाला की बजाय सिरसा से ताल ठोकने को तैयार हैं। तो इनमें क्या मुकाबला रहेगा? क्या पहले चुनाव उम्मीदवार आने से पार्टी को बेनिफिट होता है या नुकसान होता है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हरिभूमि के समाचार संपादक शंभू भद्र, राजनीतिक विश्लेषक धर्मवीर व लंबे समय से सिरसा की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ रिपोर्टर महावीर गोदारा। शंभू भद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की राज्य चुनाव कमेटी ने नाम तय कर दिया है सिरसा के लिए, तो सबसे पहला नाम है सांसद सुनीता दुग्गल का और दूसरे स्थान पर उन्होंने रखा है आम आदमी पार्टी और पहले कांग्रेसी रहे अशोक तंवर के, भाजपा में आने के बाद अशोक तंवर का। तीसरे नंबर पे पूर्व डीजीपी वी कामराजा हैं। वी कामराजा काफी सक्रिय रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स के रूप में उनकी पहचान होती है। और तीसरे नंबर पे रविंद्र बालियाना हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन हैं प्रदेश के। तो आपको क्या लगता है कि सूची में किसका नाम हो सकता है पहले? देखिए, सुनीता दुग्गल जो है वो सिटिंग एमपी है और बीजेपी की कोशिश ये होगी कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार जिसके प्रति थोड़ा बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है उस उम्मीदवार का नाम फाइनल ना किया जाए। सुनीता दुग्गल ने जो जो भी काम किया है, जो भी 5 साल में उसका परफॉर्मेंस है, उसको उसका आकलन होगा और उसके बाद उसके नाम के बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि अशोक तंवर को बीजेपी आए हैं और अशोक तंवर का जो नाम है प्रदेश में वो एक अलग तरह से है, सुनीता दुग्गल से बड़ा नाम है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में अगर आप देखेंगे और एक मास के हिसाब से अगर सोचा जाएगा कि किसको एक पब्लिक ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर सकती है, तो उसमें अशोक तंवर का नाम सबसे पहले होगा। पहले उसको मौका दिया, मतलब वहां पे सीट के लिए सोचा जाएगा। जो भी नाम आपने लिया है उस तीनों में से नाम में से अगर आप देखेंगे तो जो मास की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसके आधार पर तय होगा। तो अशोक तंवर फर्स्ट नाम होना चाहिए। सेकेंड में जो रविंद्र है बलियाना, उसको उसके लिए सोचा जा सकता है और सुनीता दुग्गल का स्थान थर्ड हो जाएगा। क्योंकि जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है पिछले एमपी के तौर पे, तो वो बहुत साइनिंग वाला नहीं है, बहुत ही इस तरह से नहीं है कि उन्होंने जनता में जा करके मिलजुल के बहुत बेहतर काम किया हो। आई थिंक जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इस बात को समझते होंगे कि जो ग्रास रूट में उतर के जो काम करने की स्थिति होती है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके जो एक रेपो बनाने की बात होती है, तो उस वो नहीं है। पीछे भी जब उनको टिकट मिला था तो उस वक्त भी मतलब भाजपा के जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता थे उसके लिए शॉकिंग ही था कि मतलब एक जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आदमी है उसको फटाफट आपने टिकट दिया और वो मोदी की लहर थी तो जीत भी गई थी। मैं गुदारा जी आपके पास आना चाहूंगा, आप लंबे समय से सरसा की राजनीति को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अशोक तंवर, सुनीता दुग्गल, पूर्व डीजीपी वी कामराजा, बलकौर सिंह व रविंद्र बलियाना, तो इनमें से भाजपा के लिए सबसे उपयुक्त कौन हो सकता है? हालांकि स्टेट कमेटी ने नाम चयन कर दिया है, अंतिम फैसला आलाकमान के हाथ में है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए पंडित जी, सुनीता दुग्गल वर्तमान में सांसद है और इन्होंने लोकसभा में सिरसा लोकसभा को लेकर काफी आवाज उठाई है, जी सक्रिय है। लेकिन शुरुआती दौर में इनकी मुख्यमंत्री से जो ट्यूनिंग है राजनीतिक या कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाया था जी। इसी वजह के 6 महीने पहले 1 साल तक वहां पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी सिरसा जिला में सक्रिय रहे जी जी जी
उसके बाद किशन बेदी एक दोबारा अपने पूरे क्षेत्र की ओर चले गए, और अब सुनीता दुग्गल पिछले 4-5 दिनों से जो लोगों से मिल रही है, शीर्ष संस्था है, वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। ऐसा है भाई, कहीं ना कहीं हाईकमान ने इशारा कर दिया है। जी और रही बात अशोक तंवर की, ठीक है, आप अभी शंभू जी ने कहा अभी अशोक रिपब्लिक में, अशोक तंवर जब सांसद थे सिरसा से और कांग्रेस सरकार थी, तो अशोक तंवर पब्लिक में बहुत काफी ज्यादा रहे, लेकिन उसी तरह की नेगेटिविटी आई अब सिरसा लोकसभा की। हेलो, हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। अगर सिरसा लोकसभा की बात करें तो अशोक तंवर की जो एक इमेज है वो राजनीति में एक कई बार ही आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो अशोक, मैं मानता हूं सुनीता दुग्गल के मुकाबले सिरसा लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्र में, ठीक जी है, उनका नाम हुड्डा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, नया चेहरा था उसके टाइम, पूरे हरियाणा में नाम तो आएगा, लेकिन सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा अच्छी छवि अशोक तंवर की नहीं मानी जाती। दूसरी जी बात कैडर की, जो भाजपा कैडर है, ज्यादातर अशोक तंवर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, पर जो एक पोलिटिकल की एक अपनी इमेज सिरसा लोकसभा क्षेत्र में वो नहीं बना पाए हैं, उनके मुकाबले आज सुनीता दुग्गल भले ही 1-2-4 कार्यकर्ता उनसे नाराज हो सकते हैं, स्वाभाविक है, वर्तमान में सांसद है, जिले शिकवे रहे होंगे, लेकिन लोकसभा सिरसा को लेकर, चाहे नशे का मुद्दा हो, रेलवे का हो, रहा, सुनीता दुग्गल ने लोकसभा में सिरसा की आवाज उठाई है और काफी सक्रिय रहे हैं। दूसरी बात, आपने रविंद्र बलियाला का नाम लिया, जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, जी INLD से राजनीति शुरू की है और वर्तमान में अनुसूचित जाति के चेयरमैन है, लेकिन उनकी छवि बहुत बिल्कुल छाप सभी के नेता माने जाते हैं। जी इसमें एक नाम आपने और जोड़ा, कालामाली से पहले शिरोमणि अकाली दल बादल के विधायक रहे हैं बलकौर सिंह, बलकौर हाँ, वो मुख्यमंत्री के गुडबुक में है फिलहाल, जी और कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं, ग्राउंड ग्राउंड में रहते हैं, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। जी अगर अगर सुनीता दुग्गल का नाम कहीं ना कहीं आए, तो आप मुख्यमंत्री अगर दूसरी पसंद बताएंगे तो आप वो बलकौर सिंह की है, अगर मेरा मानना है, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं वही। धर्मवीर जी, आपको क्या लगता है कि सुनीता दुग्गल इस बार मैदान में होंगी? क्योंकि पहली जो पहला नाम है स्टेट कमेटी का, उसमें पहला नाम, क्योंकि हर सांसद का ही पहला नाम रखा गया है। जो सांसद नहीं है रतनलाल कटारिया, तो उनकी पत्नी का नाम रख दिया गया है, लेकिन ये सूची अंतिम नहीं है। आपको क्या लगता है कि अशोक तंवर या सुनीता दुग्गल? पंडित जी, देखिए, बीजेपी कोई भी, खासकर बीजेपी हाईकमान, कोई भी सख्त फैसले लेने में जो है वो कोई गुरेज नहीं करती, और इसी चीज के लिए जो है बीजेपी हाईकमान जो है पिछले लंबे समय से जानी जाती है। पीछे जी, कई इलेक्शन ऐसे हुए, चाहे उनमें मुख्यमंत्री बदलने को लेके हो या किसमें, बीजेपी जो है वहां पे कोई भी बड़ा फैसला जो है बड़ी आसानी से ले लिया जाता है। तो इसलिए मौजूदा सांसद होना, मुझे लगता है कि इलेक्शन रिपीट करने के लिए बीजेपी में कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। तो बीजेपी जो है वो जीतने का मार्जिन देखते हैं कि किस नेता के पास कितना जीतने की संभावना है, कितनी है। तो ऐसे में हरियाणा में जिन बीजेपी के सांसदों की टिकट कटने की जो है, उनमें मुझे लगता है सुनीता दुग्गल का सबसे पहला नंबर लिया जाता है, जी, दूसरा हिसार के सांसद का, तो कुछ है जो बीजेपी में है जिनको शायद रिपीट ना करे। तो ऐसे में बहुत संभावना है, और खासकर क्योंकि अशोक तंवर जैसा एक दिग्गज दलित नेता को लेके आना, जो ऑलरेडी उसी विधानसभा लोकसभा से पहले सांसद रहा है, कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रहा है, और सिर्फ अध्यक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए अशोक तंवर को जो है वो जाना जाता है कि उसने, और उसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा से एक लड़ाई लड़ते हुए, और खासकर ये लड़ाई लड़ते हुए कि एक दलित अध्यक्ष को जो है वो टिकने नहीं दिया गया, इस तरह से वो पार्टी छोड़ के गया है। तो ऐसे नेता पे बीजेपी दांव खेल सकती है, और अशोक तंवर क्योंकि जहां अंबाला की हम बात करते हैं कि चलो पार्टी में लेके आए हैं, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, सीट देनी है, तो किसी एक नेता का जिसका अपना जनाधार एक लोकसभा में रहा है, उसको छोड़ के उसको दूसरी जगह भेजने की संभावनाएं कम होती है। तो क्योंकि अशोक तंवर सिरसा में एक्टिव रहे हैं, तो
इसीलिए उनकी ज्यादा संभावना है कि बीजेपी शायद उनको वहीं से इस बार चुनाव मैदान में उतारे। दूसरी गुलाजी, मैं शंभू आपसे जी पूछना बोल रहे चाहूंगा थे कि गुलाजी, जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी कांग्रेस में किसी का नाम सामने नहीं आया है। अगर हम सुनीता दुग्गल या अशोक तंवर में से किसी एक को लें तो कांग्रेस में कौन दावेदार हो सकता है? कांग्रेस या भाजपा, कांग्रेस की तरफ से मैं पूछ रहा हूं कि सामने मुकाबला किससे हो सकता है, सुशीले इंदौरा से या चरणजीत सिंह रोड़ी? पंडित जी मैं जो मेरे सूत्र वो कह रहे हैं, वैसे कुमारी शैलजा का पैनल में नाम ना गया हो जी लेकिन सुनने में ये आ रहा है शैलजा भी अंबाला से ज्यादा सिरसा को प्रेफर कर रहे हैं। जी सिरसा में शैलजा के फादर ने राजनीति लंबे समय तक की है और कुमारी शैलजा की राजनीति है वो सिरसा से ही शुरू हुई है, जी जो 2-3 दिनों से सुनने में आ रहा है। बेशक वो कुमारी शैलजा कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं भाई हम लोकसभा नहीं विधानसभा लड़ेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा का मन सिरसा की तरफ बना हुआ है और कुमारी शैलजा एक बड़ी हैवी वेट कैंडिडेट है। जैसे आप मोती लहर की बात कर रहे हो उसी तरह शैलजा के प्रति सिरसा के लोगों की सिंपैथी है। जी जजपा और INLD वोट है वो भी शैलजा के लिए सोच सकता है। जी जी शंभु जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस अभी तैयारियों में लगी है। कुछ दिन पहले आवेदन मांगे गए थे प्रदेश प्रभारी द्वारा, लेकिन भाजपा ने एक सूची तैयार कर दी, एक पैनल तैयार कर दिया, भाजपा के आलाकमान संसदीय बोर्ड को सौंप दिया। माना जा रहा है कि आजकल में उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती थी, हो भी सकती है आज हो जाए या कल हो जाए। तो कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है? देखिए तैयारी के लेवल पे तो बीजेपी से हमेशा कांग्रेस पीछे रही है, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे राष्ट्रीय चुनाव की बात हो, चाहे स्टेट के चुनाव की बात हो, गठबंधन की बात हो, सीटों के तालमेल की बात हो, इन सारे मोर्चे पे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जो बीजेपी और बीजेपी का जो अलायंस है वो बहुत आगे है। जहां बीजेपी आज तैयारी के लेवल पे ग्रास रूट पे जाके काम कर रही है, अपने सीटों को फाइनल कर रही है, वहीं कांग्रेस अभी सूची तक ही सीमित है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से सूची को फाइनल नहीं किया गया है। जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनको लेकर के कोई सुगबुगाहट आपको दिखाई नहीं पड़ती है। तो तैयारी के लेवल तो नो डाउट कांग्रेस बहुत पीछे है और ये हरियाणा में ही नहीं है, हरियाणा के बाहर के दूसरे स्टेट में भी अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस की तैयारी है वो बहुत पीछे है। अभी पीछे आपने देखा कि सपा से गठबंधन भी अंतिम समय में जब लगा कि सारे दल छोड़ के जा रहे हैं तो मजबूरी में आकर के फिर फटाफट गठबंधन को अलायंस को ओके किया और जो भी सीट मिल रही थी उस पे हाँ बोला, मन से नहीं बोला था, मजबूरी में जब देखा कि ममता बनर्जी ने अलग ऐलान कर दिया है, अरविंद केजरीवाल ने अलग ऐलान कर दिया है कि अलग चुनाव, मायावती ने पहले ऐलान कर दिया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में कोई बात ही नहीं। तो जब इस तरह की चीजें हुई तो उसके बाद कांग्रेस को लगा कि सब कुछ जा रहा है तो फटाफट। तो हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो अभी जो हरियाणा में सीट फाइनल का जो दौर है उसमें जो हरियाणा के स्टालवार्ट नेता हैं जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या रणदीप सुरजेवाला हैं या शैलजा हैं या कैप्टन अजय यादव हैं, ये सब जितने भी लीडर्स हैं सबके एक तो अपनी जो उनका इंटरेस्ट है कि सबका जो इंटरेस्ट क्लैश करके फिर कोई नाम पे सहमति बनेगी, आलाकमान तय करेगा कि इनको नाराज ना किया जाए, उनको नाराज ना किया जाए, सब में गणित बैठाते हुए चांसेज है कि, और इसीलिए हमेशा कांग्रेस के लिस्ट में देरी होती है, चीजें टू दी टाइम टू दी पॉइंट नहीं मतलब होती है। तो कांग्रेस बहुत पीछे है बीजेपी से तैयारी के लिए उनको लेकर। धर्मवीर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इससे एज मिलता है पार्टी को कि पहले कैंडिडेट आ जाए, अगर कांग्रेस का पहले आता है या भाजपा का पहले आता है, क्या इसे एज माना जाए चुनाव के लिए मैदान में आने से? जी बिल्कुल पंडित जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अगर जो पार्टी पहले अपने उम्मीदवार घोषित करती है तो जनता में एक चीज तो जाती है कि ये जो है लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, इनकी सारी मोर्चेबंदी हो चुकी है। जो पार्टी आखिर समय तक अगर अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर सकती तो लोगों में जो है उसका जो परसेप्शन है वो अच्छा नहीं एक जाता, ये तो जी एक है। और कांग्रेस मुझे लगता है कि इस संकट में है इस समय, क्योंकि जी बहुत जैसे कुरुक्षेत्र सीट थी, चलो
गठबंधन में आम आदमी के पास पार्टी के पास चली गई, नहीं तो पिछली बार की तरह कोई नेता कांग्रेस के पास इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था और एंड टाइम पे जो है वो जुआ जो है निर्मल सिंह के कंधे पर रख दिया था कि आप जाइए, जबकि कुरुक्षेत्रा में उनका कोई वो नहीं था। और यही मुझे लगता है कि इस बार भी कांग्रेस के साथ कई सीटों पे होने वाला, खासकर ये जो दोनों रिजर्व सीट है यहाँ कांग्रेस इस चीज का मुकाबला करेगी कि कौन कहाँ लड़े। जी शंभु और आप पंडित जी एक बात और है, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी के बात में कि जी जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं होता है तो जो वहां के दावेदार है, मान लीजिए कांग्रेस से ही किसी सीट के लिए दो दावेदार है या तीन दावेदार है, तो उसमें उहापोह की स्थिति बनी रहती है, असमंजस, किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा। और जब बहुत ही लेट से टिकट नाम अनाउंस होता है तो वो पर्सन जिसको टिकट मिला है वो वहां के गणित को साधने में बहुत जल्दी सफल नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए कि चार दावेदार है या तीन दावेदार है, उसमें से एक को मिला और तीन को नहीं मिला, तो वो तीन की जो नाराजगी है उसको साधने के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए कि नहीं तो बहुत ही कम समय है, तो उस नाराजगी को साधे या फिर जनता से संवाद करे, ये स्थिति बनी रहती है। अभी एडवांस में जल्दी अगर नाम का अनाउंसमेंट हो जाता है तो वहां पे अगर थोड़ा बहुत भी कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने की कोशिश की जा सकती है, उतना समय मिल जाएगा। अभी यह तो पता नहीं है कि सिरसा से कुमारी शैलजा मैदान में आएंगी या चरणजीत सिंह रोड़ी उनके कैंडिडेट होंगे या सुशील इंदौरा होंगे, लेकिन इतना तय है जो भाजपा ने नाम रखे सामने रखे हैं वे सभी अपने अपने हैवी वेट हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो मुकाबला कांटे का होने वाला है। नमस्कार।